हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रेजर। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम है और ऐसे में हमें कुछ ऐसे ड्रिंक्स चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें और साथ ही इस मौसम में सर्दी से हमें बचाकर भी रख सकें। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी, सर्दियों की खास केसर चाय लेकर आई हूँ। ये पीने में तो टेस्टी है ही, साथ ही बहुत हेल्दी भी है और इस मौसम में हमें सर्दी से बचाकर भी रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। केसर चाय या सैफ्रॉन टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 से 15 केसर के धागे लिए हैं। इसके साथ ही 4 हरी इलायची और 2 लौंग लिए हैं, 2 छोटे चम्मच चीनी और 2 छोटे चम्मच चाय पत्ती। अब हम एक खलबट्टा लेंगे और लौंग और हरी इलायची को खलबट्टे में डालकर इन्हें अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें लौंग और इलायची को इस तरह से क्रश करके ही लेना है। और ये देखिए, लौंग और इलायची को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया। इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन में 1 कप पानी लिया है। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम क्रश की हुई इलायची और लौंग ऐड कर देंगे और जब पानी में बॉयल आ जाए तो गैस की फ्लेम हम कम कर देंगे, सॉस पैन को हम ढक देंगे और 1 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, जिससे इलायची और लौंग का फ्लेवर पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और 1 मिनट के बाद हम इसमें चाय पत्ती भी ऐड कर देंगे और चाय पत्ती को भी पानी के साथ पका लेंगे। और ये देखिए, चाय पत्ती को हमने पानी के साथ अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे। अब हम एक सॉस पैन में 1.5 कप दूध लेंगे और दूध को बॉईल करेंगे। जब दूध में बॉईल आ जाए तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसमें केसर के धागे भी ऐड कर देंगे और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, जिससे केसर अपना फ्लेवर और कलर दोनों दूध में अच्छी तरह से छोड़ दे। और ये देखिए, लगभग 1 से 1.5 मिनट हमने दूध को पका लिया है और आप देख सकते हैं कि केसर ने अपना सारा कलर दूध में छोड़ दिया है। अब हम एक छलनी लेंगे और हमने जो पत्ती वाला पानी पकाया था उसे हम छान कर दूध में ऐड कर देंगे और 1 चम्मच से हम चाय पत्ती को इस तरह से प्रेस कर देंगे, जिससे चाय पत्ती का सारा पानी दूध में मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, जिससे सारे मसालों के फ्लेवर चाय में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी केसर चाय बनकर बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं। आप इसे अपने मनपसंद कप में डालकर सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से कुल्हड़ में सर्व कर रही हूँ। और इसे हम केसर थ्रेड से गार्निश करके सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये केसर चाय पीने में तो बहुत टेस्टी है ही, साथ ही सर्दी के मौसम में ये बहुत ही फायदेमंद भी है और हमारी बॉडी को भयंकर सर्दी से बचाकर गर्म रखने में हेल्प करती है। तो इस सर्दी में आप ये केसर चाय जरूर ट्राई करें और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें।